नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब बेचने वालों की चांदी हो गई है। पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब पकड़ी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये धंधा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के बिरला नगर में पुलिस ने एक घर में 12 पेटी अवैध शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल बिरला नगर की असिस्टेंट लाइन इलाके में एक घर में शराब मिलने की सूचना मिली थी। मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने घर की तलाशी ली तो घर में 12 पेटी शराब रखी मिली। पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी नरेंद्र राजपूत को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसमें एक आरोपी नरेंद्र तोमर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के जरिए कि नरेंद्र किरार जो है असिस्टेंट लाइन में अपने निवास पर 20 पेटी दारू उतारने की खबर थी, जिसको कि वो अपने साधन से कार के माध्यम से कहीं अन्यत्र अपने घर से ले जाने की फिराक में है, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु तत्काल बल गठित किया गया। और समय बिना गंवाए समय अगर समय गंवा दिया जाता तो ये खुर्द बुर्द कर सकता था। इस कारण से रेड की और रेड करने पर उसके घर से 12 पेटी अवैध शराब देसी बरामद की गई है। और जो रख रहा था वो ही भाग गया है, जिसमें उसने अपना उसका नाम नरेंद्र तोमर बताया है और नरेंद्र किरार को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। कार उसकी मौके से जब्त कर ली। कितनी कीमत की ये कम से कम होगी 50,000 रुपये। अब इसकी जांच कर रहे हैं कि है कि नहीं। कोई गाड़ी वगैरह भी बरामद की? हाँ, सेंट्रो कार है जो कि उसकी बरामद। लॉकडाउन चल रहा है वैसे पूरे देश भर में, शराब कैसे कहाँ से ला रहे हैं ये इसके इन्वेस्टिगेशन में इन तथ्यों को समावेश किया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कहाँ से लाए हैं। अभी तो हम लेके आपके सामने ही